चलिए हम आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताते हैं, जिसके लिए मैंने दो कलर लिए हैं और ये 9 नंबर सिलाई ली हुई है। तो चलिए हम आपको शुरू से ही बताएंगे किस तरह से हमने डोरमेट बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 18 फंदे डाल लिए हैं और 18 फंदे डाल के मैंने दो सिलाइयाँ उल्टी बनाई हुई हैं। ये देखिए, अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा फंदे ले सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आपको डिज़ाइन बताते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से डिज़ाइन को बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम ग्रीन लगा देंगे उल्टी तरफ से। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन धागा लगा दिया है और ग्रीन से हमने 6 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, 4, 5, 6, ये देखिए उल्टी तरफ से मैंने 6 फंदे ग्रीन से बनाए और आगे के फंदे हम दो सिलाइयाँ उल्टी बनाने के बाद में मैंने डिजाइन को बनाया है। ये देखिए, सीधी सिलाई हमने सारी सीधी ही बनानी है। पहला फंदा उतार के धागा अपनी तरफ करके, ये देखिए, पीछे धागा देखिए ऑरेंज के। आपको बता देते हैं कितने फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 6 फंदे हमने इधर ग्रीन के बनाए हैं। तो हम अब ग्रीन के फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, ये देखिए, और 2 फंदे हमने, और देखिए मैंने 4 फंदे ग्रीन के बना लिए और 2 फंदे मैंने यहाँ पे बगैर बुने छोड़ दिए हैं यहीं पे, ये देखिए, और हम यहीं से वापस हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ऑरेंज वाले ग्रीन से बनाने, पत्ती को आगे बढ़ाना है, देखिए इस तरह से ऑरेंज वाले फंदे ग्रीन से ही बना लिए हैं। ये देखिए सीधी सिलाई, पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरह से, और ये वाला धागा आगे लाना है। फिर से मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं यहाँ पे बगैर बुने और यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए, फिर से मैंने 2 फंदे आगे की तरफ बढ़ाए हैं। पूरी पत्ती को हम यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ तक सभी फंदों को ग्रीन से ही बना लेंगे इसी तरह से, दो दो करके। सीधी सिलाई सीधी ही बनाएंगे। तो देखिए फिर से मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं बगैर बुने और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए पत्ती को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये देखिए 2 फंदे हम ग्रीन से फिर से बना लेते हैं और आगे के फंदे हम ग्रीन से ही बनाएंगे। 6 फंदे बचे हैं हमारे पास। अब ये 6 फंदे भी हम सभी को इसी तरह से बना लेते हैं।
फिर से दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस कि मैंने फिर से दो फंदे छोड़ दिए हैं। अब ऑरेंज के हमारे पास चार फंदे बचे हैं, ये देखिए। अब इनको भी हम इसी तरह से बना लेंगे, ये देखिए। अब हमारे पास दो फंदे ऑरेंज के बचे हैं, तो फिर से मैंने दो फंदे छोड़ दिए हैं और हम यहीं से वापस हो जाएंगे, ये देखिए। अब हम सारे फंदे ग्रीन से ही बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से पूरे फंदे मैंने ग्रीन से बना लिए हैं। अब हमने जो भी फंदे छोड़े हुए हैं सभी को हम ग्रीन से ही बनाएंगे, इस तरह से पूरी सिलाई हम, ये देखिए जो भी फंदे हमने छोड़े हुए हैं सभी को हमने छोड़ दिया है और सभी को हम यहाँ से पूरी सिलाई इस तरह से सीधी बना लेंगे, ये देखिए सीधी तरफ से। तो देखिए ये इस तरह से एक पत्ती बनके कंप्लीट हो गई है। फिर से हमने ये देखिए ऑरेंज को लाना है और ऑरेंज की हमने दो सिलाइयाँ इसी तरह से बनानी है, ये देखिए। पूरी सिलाई को हम उल्टी तरफ से ऑरेंज से बना रहे हैं और दो सिलाइयाँ हमने जिस तरह से नीचे डाली हुई हैं ये उसी तरह हमने यहाँ पे ये बनानी है। तो चलिए हम ये दो सिलाइयाँ डालते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने दो सिलाइयाँ बना ली हैं। फिर से हमने इसी तरह की पत्ती ये तीन बनानी है और तीन ही पत्तियाँ मैंने ऑरेंज की बनानी है, छह पत्तियाँ हमने ये ग्रीन की बनानी है और छह ही पत्तियाँ हमने ऑरेंज की बनानी है। इस तरह से हमने पूरा डोरमेट को बना के कम्प्लीट करना है। सबसे पहले हम तीन पत्तियाँ ये ग्रीन की बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमने ऑरेंज की बनानी है। दो दो सिलाइयाँ इस तरह से डालते हुए, ये देखिए दो सिलाइयाँ मैंने उल्टी डाली हुई हैं, फिर मैंने पत्ती को बनाया है और छह फंदों से हमने पत्ती को बनाया। तो देखिए इस तरह से, तो मैं इसी तरह से पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट करूँगी। ये 12 पत्तियाँ बनाऊँगी इसी तरह से, ये देखिए छह फंदे छह फंदे हमने ग्रीन से बना लिए। अब आगे के फंदे हम ऑरेंज से बनाएंगे। इस तरह से ही हमने ऑरेंज से पत्तियाँ डाल ली हैं, छह पत्तियाँ हम ऑरेंज से डालेंगे और छह ही हमने ग्रीन से बनानी है। तो चलिए हम इसी तरह से ये पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट करते हैं और सारे फंदे घटा के फिर दिखाते हैं आपको, ये देखिए। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पत्ती पे फंदे घटा दिए हैं और हमने 12 पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डोरमेट बन के कम्प्लीट है, ये देखिए छह पत्तियाँ हमने ऑरेंज की डाली हुई हैं, ये देखिए एक दो तीन और ये चार पाँच छः, और इसी तरह से मैंने ये ग्रीन की डाली हुई हैं, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, दो दो सिलाइयाँ उल्टी डाल डाल के इस तरह से हमने डोरमेट को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम देखिए इस तरह से सिलाई कर देते हैं, ये देखिए। अगर आपने बीच में कोई छोटा सा सर्कल बना के लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, जो भी कलर का आपको लगाना हो। अगर आप नहीं लगाना चाहते इसी तरह से
भी इसको सिल सकते हैं। ये देखिए, आप कई बार मेरे को कमेंट आया कि बीच में जगह रह जाती है, तो इसको हम सुई के साथ इसी तरह से सिल लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है तो कोई भी आप बीच में इस तरह का प्लेन बनाएं, चाहे डिजाइन वाला इस तरह का सर्कल लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए हम इसको सिल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने डोरमेट को सिल लिया है, और आप बीच में इसी कलर का सर्कल बना के लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से बीच में आप ये देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी ज़्यादा जगह खुली थी तो हमने बीच में सर्कल लिया लगाया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चार फंदे लिए हुए हैं ये। अब मैं इसकी चारों तरफ की आपको अलग से लेस बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने चार फंदे लिए हैं, एक सलाई हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, एक सलाई हमने इसी तरह से बना ली है। ये काफ़ी सुंदर इस तरह से डोरमेट बन जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सलाई बना ली है। इसके बाद हमने देखिए पहला फंदा उतार के और धागा अपनी तरफ करके इस तरह से ये देखिए जाली बनानी है। यहाँ पे आगे धागा करके सारे फंदे हैं इस तरह से हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे जाली डालते हुए। ये देखिए अब ये जाली वाला फंदा हम बना लेंगे इस तरह से। ये हमने हर सिलाई पे जाली डालनी है, चाहे आप ये देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ, आगे के फंदे जो भी जाएंगे उनको उल्टा बनाते जाएंगे। और इसी तरह से हम आठ फंदे इसमें, चार हमने डाले हुए हैं और चार फंदे हम बढ़ा लेंगे इस तरह से ही। तो ये सारे हमारे आठ फंदे हो जाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार के और धागा अपनी तरफ करके और इस तरह से जाली बनानी है। फंदा भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। आप इसमें फंदा उठा करके भी बढ़ा सकते हैं अगर आपने जाली नहीं डालनी है तो। ये देखिए, तो तीन फंदे हम बढ़ा लिए हैं। और ये देखिए ये हमारा, देखिए इस तरह से भी आप फंदा उठा करके बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे जाली डाली हुई है। ये देखिए धागा अपनी तरफ करके आगे के फंदे हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमने आठ फंदों की, आठ फंदे हमने इसमें बना लिए हैं। ये सभी हमारे पास आठ फंदे हो गए हैं। चार फंदे हमने डाले थे, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये चार फंदे बंद करने हैं। ये देखिए जो बढ़ाए हुए फंदे हैं, एक दो तीन चार, ये देखिए चार फंदे हमने घटा दिए हैं यहाँ पे। फिर से हम यहाँ पे एक सलाई चार फंदों की इसी तरह से बनाएंगे और फिर से हमने जाली डालते हुए फंदा बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरह से ही फिर से हम चार फंदे बढ़ा लेंगे। इसी तरह मुझे चारों तरफ की लेस बनानी है इसकी। तो चलिए हम बना लेते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लेस बना ली है। ये देखिए अब हम चारों तरफ डोरमेट के रखते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। अगर आप इसी के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से बन जाएगी। हमने ये अलग से बनाई हुई है। तो चलिए मैं इसकी इस तरह से
सिलाई करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ की लेस सिल ली है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डोरमेट बनके कंप्लीट है। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में भी आसान है। आप इसके ऊपर कोई भी पॉम्पॉम्स सुई से लगा सकती हैं। ये देखिए जो भी आपको पसंद है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए काफ़ी सुंदर हमारा बहुत ही आसान तरीके से डोरमेट कंप्लीट हो गया है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।